नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है siyasat.pk का और टीयर्स इन हर आईज, मेहरंग बलोच रिएक्ट्स इमोशनली टू फिजा अकबर्स इंटरव्यू। तो जैसा कि मैंने वीडियो बनाया है डिफेंस डिटेक्टिव पर, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरह से फिजा अकबर खान और वो एक घरौदी फारूकी थी, दो पत्रकार थी, उन दोनों ने जाकर जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। और इसे साफ जाहिर पड़ रहा था कि भाई इस्टेब्लिशमेंट ने उन लोगों को भेजा था मेहरंग बलोच को प्रेशर में डालने के लिए, उन्हें कर्ब करने के लिए, उनकी एक तरह से बोलती बंद करने के लिए। लेकिन मेहरंग बलोच ने जो जवाब दिया और जिस तरह से ये ISI की जो दोनों बिल्लियाँ थी, उन्होंने रगड़ दिया। अब उसके बाद शायद इन्होंने मेहरंग बलोच का इंटरव्यू लिया है, तो क्या कह रही है वो जरा आइए देखते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर बलोच जो एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज़मीन पर बैठे हुए हैं, मेहरंग बलोच की आपको गुफ्तगू सुनवाते हैं। लेकिन यकीन करें, अल्फाज नहीं हैं। ठड़ठड़ाती हुई सर्दी है इस्लामाबाद की और सर्द हवाएं, यानी यहाँ पर खड़े होने से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। और ये बलोची जवान बच्चे, उनकी ख़वातीन फैमिलीज यहाँ पर नीचे बैठी हुई हैं। मेहरंग बलोच जो इस कैंपेन को लीड कर रही हैं, इस मूवमेंट को लीड कर रही हैं, उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप पहले ये बताएं कि आप डॉक्टर हैं, आपकी अपनी क्या क्वालिफिकेशन और कब से आप ये स्ट्रगल कर रहे हो? ये तकरीबन 2006 से, जब मेरे वालिद को अगवा किया गया, उसके बाद से। और जी, मैं MBBS डॉक्टर हूँ, अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है सर्जरी में। आपने कहाँ से किया है? बुलान मेडिकल कॉलेज। और अभी आपकी एजुकेशन जारी है? जी जी, FCPS। ठीक है, आप लोग यहाँ पर मैनेज किस तरह से कर रहे हो, खाना किस तरह से आप मैनेज कर रहे हो, फिर ये सारे नौजवान आपके साथ, बलोच नौजवान यहाँ पर खड़े हैं, किधर सोते हैं और किस तरह से मैनेज होता है सर? देखें, सब के सब यहीं बैठे रहते हैं और हम नौजवानों को सबको कुछ किसी को भी खाना नहीं देते, क्योंकि एक अवामी तहरीक है। तो इसमें माशाल्लाह से हम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ अवाम ने खुद हमारी मदद की है, जगह उन्होंने हमारे लिए खुद अरेंज किया है। और हमारे यहाँ ज़्यादा खर्चा ही नहीं, हम दोपहर का खाना होता है या रात का, तो कोई रजाकाराना तौर पर खाना लाता है, पानी लाता है, चाय लाते हैं, तो इसी तरह हमारा गुजारा चल जाता है। ठीक है, ब्राय मेहरबानी ये भी बताएं कि कुछ साफ़ी आपके पास पहुँचे हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे सवाल किए जिनके पीछे महसूस हो रहा था कि एक प्रोपेगेंडा है, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने तहम्मुल से उनसे जवाब, सवालात के जवाब दिए। मैं देखें, साफ़त से पेशे से मुस्लिम, मैं हर उस इंसान को टाइम देने के लिए तैयार हूँ। वो हमसे जितना तल्ख बिहेव करेंगे, मैं उतने ही तहम्मुल से उनको जवाब दूंगी। लेकिन जिस तरह वो मजम्मत के नाम पर इस सियासी तहरीक को जो है ना सबोताज करना चाहते हैं, वो सियासी तहरीक सबोताज नहीं होगी। उनको सबसे पहले बलूचिस्तान में होने वाली नस्ल कुशी की मजम्मत करनी पड़ेगी। 1948 से लेकर अब तक बलोच यकजहती कमेटी उस वक्त तश्कील हुई जब मलिक नाज बलोच, जो एक औरत थी जिसके घर में जो है ना रियासती डेथ स्क्वाड ने जो है ना हमला किया उस पर, उसकी बेटी ब्रम्श बलोच, जाएं और सोशल मीडिया में देखें, जस्टिस फॉर ब्रम्श बलोच के नाम पे एक हैशटैग है, उसकी बच्ची जख्मी हुई और वो औरत मारी गई, वो बलोच औरत मारी गई। तो आपको इस मसले की ग्रीवियंसिस को समझना चाहिए कि ये मसला कितना ज़्यादा संजीदा मसला है। और अगर आप कुछ TRPs के लिए या किसी के कहने पर आकर जो है ना इस मूवमेंट को जो है ना सबोटाज करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो मैं आप सबको कहूँगी कि आपका ये अमल गैर इंसानी अमल है। सहाफत को छोड़े, सहाफत तो ये दूसरी जगह है, ये इंसानी अमल भी नहीं है। वो लोग जो यहाँ आकर अमला आवर होते हैं, खासकर मुझ पर, मैं उनसे यही सवाल करती हूँ, ये सवाल जो है ना आप जाके अपनी रियासत से करें कि बलूचिस्तान की हालत क्यों हुई है। बलूचिस्तान में जो शिद्दत पसंद तंजीमें बनी हैं, उससे पहले शिद्दत पसंद तंजीमों से पहले जो है ना बलूचिस्तान की हालत को देखें। और ये जो खानदानें बैठी हैं आपके सामने ना, आप इनसे गुफ्तगू भी ना करें, आप आए उनसे मिले, सिर्फ और सिर्फ मिले। उनके हाथों में जो तस्वीरें हैं ना, उनके रंग उतर चुके हैं। 10-10 सालों से उनके पास इतने भी वसाइल नहीं है कि वो अपने लिए एक तस्वीर ले सके। तो आप जब उनको देखेंगे ना, आप शर्मिंदा होंगे, आप शर्मिंदा होंगे कि आप बतौर साफी 70 साल से बलूचिस्तान में जो नस्ल कुशी हो रही है, आपने वो फ़र्ज तो नहीं निभाया। जब इन माओं ने अपनी मेहनत आपके तहत मार खा के इस तहरीक को यहाँ तक लेकर आए, तो तब भी पहले आप कहते थे कि हमें जो है ना रियासत नहीं छोड़ती है, जो है ना हम रियासत के जबर की वजह से, सहाफत पर सेंसरशिप की वजह से जो है ना हम ये कर रहे हैं। अब तो कोई सेंसरशिप नहीं है, अब तो कोई इंटरनेशनल मीडिया से लेकर सब के सब इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। अभी जो ये आप सब लोग कर रहे हैं, इससे आपकी बदनीयती जाहिर होती है, इससे जाहिर होती है कि आप बजाते खुद एज ए इंसान जो है ना, आप इंसानियत है ही नहीं। जो आप काम कर रहे थे वो चाहते थे आपके साथ ऐसा हो, आप चाहते।
डॉक्टर महरंग बलोच जो बात कह रही हैं ना, वो बड़ी गंभीर बात है। और मैंने भी जब फिज़ा ख़ान को और गरोदी फारूकी नाम है उनका, इन दोनों को मैंने जब इनसे बात करते हुए सुना, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि ये क्या, किस तरह के सवाल पूछ रही हैं, ये किस तरह के सवाल पूछ रही हैं। मैं काम करता हूँ, इन दोनों की छोटी छोटी बातें मैं सुनवा देता हूँ, ताकि आपको, जो लोग नए लोग हैं, जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें बात समझ में आए कि हुआ क्या था। सुनिए पहले। मैं सब की मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस कर रहे हैं की मजम्मत करती हैं। जी हाँ करती हूँ। क्या बलोची जेनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों की जो आपने उठाया उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ बीएलए की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? बीएलए को कंडेम करती हैं? मैं बीएलए को कंडेम करूँ या नहीं करूँ, सबसे पहले आप करती हैं या नहीं करती? प्लीज प्लीज, क्या 97 में जो बलोचों को मारा गया वो उसको आप कंडेम करती है? जो औरतों को मारा गया, जो बूढ़ों को मारा गया, आप क्या आप उसको कंडेम करती है? रियासत ने जो भी गलतियां की वो गलतियां की नहीं थी, वो गलतियां रियासत ने खुद उन गलतियों को तस्लीम किया, वो जारी तस्लीम नहीं किया है। आप कह रही हैं कि तस्लीम नहीं है, तस्लीम नहीं किया है। मुझे बतौर सहाफ़ी बलोचिस्तान का दूसरा रुख भी दिखाना है, जो कि दहशतगर्द तंजीमों का है। मुझे डॉक्टर महरंग बलोच से उनकी मजम्मत नहीं मिल रही। किसी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हमारा सवाल आपसे ये है कि अगर आप इस तहरीक को सपोर्ट करना चाहते हैं, अब अगर आप चाहते हैं कि वाकई में इस रियासत में जो है ना मसले हल हो जाए, तो आपको जेन्युइन क्वेश्चंस करने चाहिए। जेन्युइन यही क्वेश्चंस आपको रियासत से भी करने चाहिए। दोनों की बातें आपने सुनी, क्या पत्रकारिता इसे ही कहते हैं भाई? एक विक्टिम है, आप विक्टिम से उनके सुख के बारे में बात करो, उनके दुख के बारे में बात करो, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो, उनके डिमांड्स के बारे में बात करो। आप एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रही हैं जिनका सीधा ताल्लुक नहीं है इनसे, वो एक अलग तहरीक चल रही है, इनकी तहरीक अलग है, उनकी तो पता नहीं कितने सालों से चल रही है, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो कब से चला रहे हैं, इन्होंने तो अब जाके औरतें निकली हैं ना वहां की, जिनके बेटे गायब हैं, जिनके हस्बैंड गायब हैं, जिनके भाई गायब हैं, क्या करें बेचारे, सवाल भी ना पूछें, अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज ना कराएं। लेकिन जिस तरह से मैं कहूंगा कि आईएसआई के अपने टाउट्स को भेजा है फिजा खान को, कौन नहीं जानता फिजा खान को, किस तरह के प्रोग्राम वो करती हैं, किस तरह कहां कहां से उन्हें क्या क्या मिलता है, सब जानते हैं। और आपने बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान में जितनी इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है, आपने कसदन उन पे अपनी आंखें बंद की हुई है, अपने शोबे के साथ और अपने इंसानियत का जो आपको इतना बड़ा वो लगा हुआ है उसके साथ आप की, जी बिल्कुल। नहीं डॉक्टर साहब, ये बताएं कि डॉक्टर फिजा अकबर आपके पास आई और उसके बाद हमें ये खबरें मिली कि आपने इंटरव्यू देने से भी शायद मुख्तलिफ चैनल्स को इनकार कर दिया है। ये भी खबरें आई कि डॉक्टर फिजा अकबर बाद में खुद भी रोना शुरू हो गई चूंकि उन्हें बहुत सारे सवाल फीड किए जा रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही था। सबसे पहले तो ये, क्योंकि हमें ये महसूस हुआ कि जब हमने गरीदा फारूकी को मैंने इंटरव्यू दिया, तो वो इंटरव्यू उन्होंने जो है ना ट्रिम करके सिर्फ वो एक पार्ट जो है ना प्ले किया, हालांकि जो दूसरा पार्ट था वो उन्होंने प्ले नहीं किया। उसके बाद इस टाइम हमने, क्योंकि हमारी बलोच यकजहती कमेटी की पेज भी लाइव थी, तो मैं उनसे मुसलसल बात कर रही थी, उन्हें जो है ना फीड मिल रहा था कि ये सवाल पूछे, ये सवाल पूछे। और जब वो मुझसे गुफ्तगू कर रही थी, तब भी मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे थे। मैंने ये फिजा अकबर या गरीदा फारूकी, फिजा की आंखों में, तो मुझे अफसोस हुआ जो बार बार मुझसे वो सवालात कर रही थी। मुझे लगता है कि वो जो कंडेमिनेशन हम मुझसे मांग रही थी, मैं यही कहती हूँ कि मैं कंडेम करती हूँ तमाम वायलेंसेस को, लेकिन क्या आप कंडेम करते हैं? क्या आपकी रियासत कंडेम करती है? मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि बतौर सहाफ़ी आपने 70 सालों से बलूचिस्तान में होने वाली नस्ल कुशी के खिलाफ जो है ना, आपने क्या रियासत से ये सवाल किया कि वो कंडेम करते हैं या वो नहीं करते? जो वायलेंस, जो कत्ल व गारत आप लोगों ने बलूचिस्तान में जारी की हुई है, जो चेक पोस्ट आपने बनाए हुए हैं, जो आप लोगों ने बड़े बूढ़ों किसी को माफ नहीं किया, क्या आपने वो कंडेम किया? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, सारी चीज़ों को आप एक साइड कर दे। 3 दिन पहले औरतों को घसीटा गया आपके शहर में, आपके इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान के किसी शहर में नहीं, कस्बे में नहीं, उनको घसीटा गया उनकी चीखों से। इस्लामाबाद का शायद मैं बोलती हूँ और दीवार जो है ना वो तड़प जाना चाहिए था। क्या आपने यही माइक जो है ना उन अपने जो है ना पुलिस अफसरान अपने स्टेट के मुंह में रखकर पूछा कि आपने क्या आपकी इसकी मजम्मत करते हैं या नहीं करते हैं? आपने वो नहीं किया, आप नहीं कर रहे हैं। मगर अगर यहां से दूर एक और बलोची हैं, काजी फैज ईसा साहब, चीफ जस्टिस हैं, इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर वो कांप जाते तो मेरे ख्याल में रियासत की और इस्लामाबाद की दीवारें भी कांप जाती। बिल्कुल। और जब ये बालाज का जब केस हुआ, बालाज के केस में सेशन कोर्ट ने जो है ना FIR दर्ज करवाई,
और सेशन कोर्ट ने के सामने बालात जो है ना पेश हुआ। हम समझते हैं कि ये सब के सब इख्तदार वाली कुव्वतें जो है ना ये बेइख्तियार है, लेकिन मेरा उनसे सवाल ये है कि अगर आप इख्तियार नहीं रखते हैं, इंसानी तौर पर आए और हमें बोले कि हम कुछ इख्तियार नहीं रखते हैं, जो ओहदा में दिया गया है, जो इंसाफ कितना बड़ी जिम्मेदारी है, इंसाफ के बगैर तो घर नहीं चल सकता है, आप एक रियासत को कैसे चला सकते हैं? आप जब लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते, आपको क्या लगता है कितने अरसे तक आप जो है ना इस तरह इस रियासत को चला सकते, कितने अरसे तक आप लोगों को दबा सकते? आपने बलूचिस्तान में जो कत्ल गारत की, जो अपने फौजी सिपाहियों को खुली छूट दी, जो डेथ स्क्वाड बनाए, जो सीटीटी बनाए, आपने कहा कि बलोच खामोश हो जाएंगे, लेकिन बलोच खामोश नहीं हुए। आप आज देखें बलूचिस्तान पूरा सरापा एहतजाज है, जहाँ आपने अवारान जैसा शहर जिसकी तमाम आबादी इंटरनल डिस्प्लेस हो चुकी है, सारी आबादी ने जो है ना माइग्रेट कर ली है, आज अवारान में भी ट्विटर पे या दूसरे सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा वीडियोस हैं ना पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से घर में घुसकर एक निहत्थे आदमी को AK-47 से 10-10 AK-47 चलाकर भून रहे हैं। मैं ये वीडियोस लगा नहीं सकता, यूट्यूब से सैंक्शन हो जाएगा, मेरा चैनल बंद हो जाएगा, लेकिन ट्विटर पे ये सारे वीडियोस हैं और जो पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं वो जाकर सर्च करें, आपको ऐसे सैकड़ों वीडियोस मिलेंगे जो सबूत हैं पाकिस्तानी फौज की दरिंदगी के बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर। आप हैरान रह जाएंगे कि यह हो क्या रहा है, और पता नहीं कितने आप विश्वास करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन बलोच जानते हैं कि उनके साथ पिछले 76 ईयर्स में क्या किया गया है, क्या किया गया था और क्या किया जा रहा है। इसलिए अब जो है वो सर से पानी ऊपर हो चुका है, इसलिए अब वो इस कदम को उठाने पर मजबूर है। हमारे लिए मुजाहरे हो रहे हैं, आज तीर्थेज में भी हमारे लिए मुजाहरे हो रहे हैं, आज हमारी आवाम, और मैं बलूचिस्तान को चले छोड़े, आप देखिए यहाँ इस्लामाबाद में हमारा कौन है और कोई नहीं है, जो हम लोग जितने लोग लाए थे उसके अलावा कहाँ कहाँ से हमारे पास लोग नहीं आ रहे, गिलगित से आ रहे हैं, पेशावर से आ रहे हैं, एबटाबाद से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं जी? मैं यही पूछती हूँ क्यों आ रहे हैं? अगर हम एजेंट थे आपके बतौर, अगर हम किसी के एजेंट के तौर पर आए और हमें बैरूनी फंडिंग मिल रही है, तो मैं यही सवाल करती हूँ ये लोग क्यों आ रहे हैं? ये लोग इसलिए आ रहे हैं कि इंसानियत के नाते आ रहे हैं, हम सब बतौर इंसान जो है ना आप सबके इस कत्ल व गारत से परेशान हो चुके हैं, हम ये हमारी अवामी कुव्वत है, हमारी ताकत है, और मैं आवाम से सबसे अपील करना चाहती हूँ, जो यहाँ आया है हमसे ये कहा जाता है ये लोग आए हैं, इनको क्या आप इन सब, मैं इन सबको नहीं जानती हूँ, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती हूँ, ये आते हैं, ये यहाँ हमारे बाँव के साथ उनका दर्द बांटते हैं, ये यहाँ सर्दी में बैठते हैं, देखें इनके ये घास में बैठे हुए हैं, ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं, देखें इनको क्या मिल रहा है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना ही इनको किसी ने फंडिंग दी हुई है, ना ही कुछ, ये वो चीज़ है जिससे आप कितने दिन मजीद यहाँ पे बैठेंगे? देखिए वो उसका फैसला तो ये रियासत करेगी। अच्छा, वो फैसला तो किसी ने आपके साथ कोई नेगोशिएशंस, कोई बातचीत, कोई गुफ्तगू नहीं? हमने नेगोशिएशंस के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम सिर्फ इसलिए दिया था कि जो लापता, जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो डॉक्टर ज़हीर जिसकी वेयर अबाउट्स अभी तक हमें नहीं पता है, 4 दिन से वो PhD का स्कॉलर है, उसके वालिद ने मुझे सुबह फोन किया, मैं शर्मिंदा हो गई, यकीन करें मेरे पास जवाब नहीं है। आप समझते हैं बलूचिस्तान में एक बंदा जो है ना मैट्रिक की तालीम तक नहीं पहुँच सकता है, बलूचिस्तान जैसे बदबख्त इलाके में अगर कोई PhD तक पहुँच जाए आपकी यूनिवर्सिटी में और आप उसे उठा कर ले जाए, 4 दिन से उसका कोई ट्रेस नहीं है, ताने तुटाने हम उसे ढूंढ रहे हैं। अगर आप लॉलेसनेस देखना चाहते हैं स्टेट की ना, तो देखें 4 दिन से आपके कैमरों के सामने ज़हीर को आप देखेंगे कि वो जो है ना दाढ़ी, पुलिस इंस्पेक्टर की दाढ़ी पर हाथ लगा रहे, क्या आप जो है ना खुदा के लिए उन औरतों को छोड़े, आप ऐसा नहीं करें। वो ज़हीर 4 दिन से किसी अदालत में पेश नहीं हुआ है, ये लॉलेसनेस है, ये आपके इस्लामाबाद में हो रहा है। उसका बाप मुझसे पूछ रहा है मेरा बेटा कब आएगा, मैं क्या जवाब दूँ उसको? उसका जवाब क्या ये रियासत दे सकती है, इसकी आवाम दे सकती है कि एक 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 आदमी जो PhD तक पहुंचते पहुंचते उसने पता नहीं कितने दर्द कर्ब झेले उसके खानदान वालों ने, और वो क्या कर रहा था, सिर्फ यहाँ पे बैठा हमारा इंतजार कर रहा था ना, क्या हो जाता अगर यहाँ पे आपके शहर इख्तदार में 3 दिन से हम बैठे है ना। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है, पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती है, डर है, खौफ है, टेरर है, पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है, इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने देखा कि जिस चैनल के हैं ये siyasat.pk, इसको भी बैन कर दिया गया है वहां पर, मतलब जो सच की आवाज उठाए, जो मजलूमों की आवाज बने, उस आवाज को बंद कर दो, बंद नहीं कर सकते तो उसका गला घोंट दो, ये किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान की आम आवाम भी समझ रही होगी, पाकिस्तान की मीडिया जो
थोड़ी फेयर मीडिया है, जो एकाध चैनल हैं वो समझ रहे होंगे, यूट्यूब या सोशल मीडिया के लोग समझ रहे होंगे, लेकिन अभी भी जो बड़ा नेक्सस है वो एस्टेब्लिशमेंट का है, वो मीडिया का है, वो जुडिशरी का है, वो पुलिस का है, और वो अपने हिसाब से इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और उनके पास पावर है, उनके पास रिसोर्सेज हैं ऐसा करने के लिए। जो भी ये कांड हुआ, फिजा अकबर खान वाला और गरीदा फारूकी जो भी हैं, तो हामिद मीर इतने दिनों से इन लोगों के साथ हैं, उन्होंने ऐसे सवाल नहीं पूछे। हामिद मीर एक ठीक है, उनकी कई बातों से मैं उसको क्या कहूँ, समर्थन नहीं करता या मैं उसे अग्री नहीं हूँ, लेकिन इस बात से तो अग्री हूँ वो आ रहे हैं, उन्होंने तो सवाल नहीं पूछे ऐसे। उनको भी पता है कि वहाँ पर प्रॉब्लम है, वहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स हैं, वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई चल रही है। यहाँ का मसला दूसरा है, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर ये सवाल पूछे जाए। और उसके बाद भी मेहरंग बलोच ने, उन्होंने कहा कि हाँ वो इसकी निंदा करती हैं, वो किसी भी वॉयलेंस के साथ नहीं, वो बीएलए की निंदा करती हैं, वो बीएलएफ की निंदा करती हैं, लेकिन एक भी बार अकबर फिजा खान ने या गरीदा फारूकी ने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ वो स्टेट की भी निंदा करती हैं या उसकी मजम्मत करती हैं। इसी से आप समझ जाइए मसला कहां पर है। जब इस्लामाबाद में ऐसा बलोचों के साथ हो सकता है, जहां पर पूरे दुनिया की निगाहें रहती हैं, जहां पर इंटरनेशनल मीडिया भी, तो सोचिए कि बलूचिस्तान में दूर दराज इलाकों में जो होता होगा, वो तो चीजें बाहर ही नहीं आती हैं कभी, उससे तो लाहौर के लोग या इस्लामाबाद के लोग नहीं जानते होंगे जो वहां पे हुआ। यहां पे तो भाई कुछ इंडियन चैनल्स भी इस खबर को कवर करने लगे हैं, लेकिन यहां वाले भी कमोबेश वैसे ही क्या कहें। खैर, तो हामिद मीर की बात कर रहा था मैं, तो हामिद मीर से जब इस बारे में सवाल पूछा गया कि भाई वो अकबर फिजा खान आई और वो गरीदा फारूकी आई और उन्होंने जो किया, जिस तरह का उनका बिहेवियर था डॉक्टर मेहरंग बलोच के साथ जो उन्होंने किया, जिस तरह के सवाल पूछे, उस पर हामिद मीर का क्या कहना था ये भी सुन लीजिए। मीडिया का काम ये होता है टू बिकम द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। अगर आप वॉइसलेस की वॉइस नहीं बन सकते, तो कम से कम आप अपने दो नंबर किस्म के घटिया सवालात के जरिए किसी मजलूम के जख्मों पे नमक तो ना छिड़कें। आपका काम सहाफत है, सहाफत करें, ना कि आपका काम यह है कि आप खुफिया एजेंसियों के टाउट बन के और मजलूम लोगों के जख्मों पे नमक छिड़ें। आपको शर्म आनी चाहिए। सुन लिया आपने, तो देखिए मजलूमों की आवाज कब तक दबाएंगे, आवाज वो बाहर आएगी और मजबूती से आएगी, और बलूचों की आवाज बाहर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि इससे आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा कि बलूचिस्तान अब तक क्या कुछ झेल चुका है और क्या कुछ झेल रहा है, लेकिन अब ये मानने वाले नहीं है। अब ये आर पार की लड़ाई है, ये अपना हक लेकर रहेंगे, वो हक जैसे भी मिले, आजादी से मिले या इनको छीन कर मिले या जबरदस्ती करके मिले, भाई हक तो भाई आधा पाकिस्तान है, वो वहां से आप पैसे कमाते हो, वहां को क्या देते हो आप, न ढंग की एक यूनिवर्सिटी, न ढंग का कॉलेज, न ढंग का स्कूल, न ढंग का इंफ्रा, न रेलवे, न सड़कें, न पीने का साफ पानी, न गैस, न बिजली, सब नाम को है बस। लेकिन वहां से सारी चीजें निकालकर पंजाब को बिल्कुल बढ़िया रखा जा रहा है, वहां की गैस, वहां का तांबा, वहां का सोना, वहां का कोयला, वहां की बिजली, एवरीथिंग। कमेंट करके आप जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।